अब खूनी मंडे के साथ साथ हमारी नई पेशकश फ्रीकी फ्राइडे भी एंजॉय करो। चेक आउट आवर न्यू एक्सक्लूसिव हॉरर स्टोरी कोई है, ओनली ऑन आवर स्पॉटिफाई पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय खूनी मंडे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कहते हैं इंसान की जिंदगी उसके जन्म से शुरू होती है और मरने पर खत्म होती है, पर क्या मौत ही इंसान की फाइनल डेस्टिनेशन है? कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे पाई, पर कहीं ना कहीं उन सभी मिस्टीरियस सवालों के जवाब स्पिरिचुअलिटी में मिल सकते हैं। और इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की सबसे मानी जाने वाली लोकेशन है वाराणसी, यानी बनारस। रॉय एक 19 साल का लड़का था। उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद था, इसलिए वो हर हफ्ते कहीं ना कहीं निकल जाता था। रॉय काफी टाइम से बनारस जाना चाहता था, पर उसे जाने के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा था। रॉय लोगों से पूछ पूछ कर तंग आ गया था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही अकेले बनारस घूमने निकल जाएगा। हाथ में अपना कैमरा लिए वो बनारस पहुंच गया और उस अद्भुत शहर को एक्सप्लोर करने लगा। एक दो दिन बनारस घूमने के बाद अब रॉय ने डिसाइड किया कि वो रात में मणिकर्णिका घाट जाएगा। मणिकर्णिका घाट पूरे इंडिया का सबसे फेमस शमशान घाट था। वहां दिन रात लाशें जलती थीं। दिन में वहां पर बहुत भीड़ होने की वजह से रॉय ने रात में वहां जाने का सोचा। रॉय ने जोश में ये डिसीजन तो ले लिया, पर जब वो रात को उस घाट के पास पहुंचा तो उसकी रूह कांप उठी। उसकी आंखों के सामने कई डेड बॉडीज जल रही थी। मरे हुए लोगों को इतने करीब से देखना काफी डरावना सा था, पर रॉय ने पहले ही ये सब चीजें इंटरनेट पर पढ़ी हुई थीं। अपना दिल पक्का कर रॉय ने जैसे ही घाट पर एंट्री की, उसके पेट में जोर से दर्द हुआ, मानो उसकी अंतड़ियों को कोई जोर से मसल रहा हो। कुछ सेकंड्स में उसका दर्द चला गया, पर रॉय को अपना शरीर बहुत भारी सा लगने लगा। समुंदर से तेज हवा आ रही थी, लेकिन उस तेज हवा में भी रॉय को एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। घाट पर आगे बढ़ते हुए उसे अपनी बाईं ओर एक बड़ा सा घर दिखा। उस घर की छत पर एक शेर का पुतला बना हुआ था। उस बड़े से घर में हर जगह बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थीं, पर उस घर की आउटर बाउंड्री में एक ऐसा कोना था जहां बिल्कुल अंधेरा था। आगे बढ़ने के लिए रॉय को उसी के सामने से होकर गुजरना था। रॉय ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगा कि तभी उसके पेट में फिर से दर्द शुरू होने लगा। इस बार वो दर्द इतना ज्यादा था कि रॉय दर्द के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। रॉय पूरी तरह होश में नहीं था, पर वो समझ पा रहा था कि कोई उसे अपने हाथों से खींचकर जमीन पर घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहा है। पर रॉय का शरीर बेजान सा था। ये सब समझने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद रॉय होश में आया। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक दीवार से सटा हुआ पाया। इधर उधर नजरें घुमाकर देखने पर उसे पता चला कि वो उस घर के उसी अंधेरे कोने में था जो उसे दूर से दिख रहा था। वो बहुत ज्यादा डर गया। वो जल्दबाजी में वहां से उठकर भागने लगा तो उसे अपने हाथों पर एक खिंचाव महसूस हुआ। रॉय ने सहमी नजरों से जब पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। रॉय का हाथ एक डेड बॉडी से बंधा हुआ था और उस बॉडी का सर गायब था। उस बॉडी का वजन इतना ज्यादा था कि रॉय उसे हिला भी नहीं पा रहा था। रॉय वहां पर फंस चुका था। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी समझ से परे था। रॉय ने चीख चीख कर मदद मांगने की कोशिश भी की, पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। रॉय उसी घर की दीवार से सट कर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा।
वहां बैठना उसके लिए बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था, पर उसके बाद जो उसके साथ हुआ उससे रॉय का दिल मानो रुक ही गया हो। रॉय को अपनी आंखों के सामने एक औरत आग की लपटों में जलती हुई खड़ी दिखी। उसका पूरा शरीर आग में झुलस रहा था और उस औरत के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस चुपचाप होकर रॉय को देखे जा रही थी। उसे देखकर रॉय जोर जोर से चीखने लगा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं उसे दिल का दौरा ही ना आ जाए। पर कुछ ही सेकेंड्स में वो औरत रॉय की आंखों के सामने राख बन गई। तभी उस राख के पास एक अघोरी आकर खड़ा हो गया और उस राख को एक कपड़े में इकट्ठा करने लगा। ये देखकर रॉय और भी ज्यादा डर गया। रॉय अपने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। वो अघोरी धीरे धीरे उसके पास आया और रॉय के साथ बंधी बॉडी को उससे अलग करने लगा। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। रॉय पागलों की तरह बस रो ही रहा था कि तभी उस अघोरी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उससे कहा कि वो जगह उसके लिए नहीं है और उसे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। वहां से छूटते ही रॉय बिना पीछे देखे बस उस घाट से दूर भागता रहा। भागते भागते ही वो अपने होटल रूम वापस पहुंच गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई और वो सुबह सुबह 5 बजे ही होटल में बने छोटे से मंदिर में जाकर बैठ गया। उसे डरा सहमा देख वहां के पुजारी ने उससे उसकी घबराई हुई हालत का कारण पूछा। रॉय से रहा नहीं गया और उसने सब कुछ पुजारी को बता दिया। वो सब सुनकर उस पुजारी के भी होश उड़ गए। पर उस पुजारी ने रॉय को समझाया कि मणिकर्णिका घाट को महाशमशान घाट भी कहा जाता है और वहां रात में अघोरी अपनी पूजा संपन्न करने आते हैं। रात के समय काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। हो सकता है कि रॉय ने वहां जाकर किसी अघोरी की तपस्या में अनजाने में कोई विघ्न डाल दिया हो और इसीलिए रॉय के साथ वो सब हुआ। रॉय को यह सब सुनकर बेहद डर लगने लगा, पर पंडित जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि अब वो सुरक्षित है। पर आज भी रॉय को उस रात के सपने आते हैं। जो उसने उस रात देखा उसे शायद वो कभी नहीं भुला पाएगा। ये सब होने के बावजूद क्या आप मणिकर्णिका घाट यानी उस महाशमशान घाट पर रात में कभी अकेले जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, हमारी अगले हफ्ते की कहानी मंजुलिका रिटर्न्स Spotify पर ऑलरेडी लाइव है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। और हाँ, कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू खूनी मंडे।